नमस्कार दोस्तों, आप सभी वीडियो देखने वाले साथियों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल खेती में। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे गराडू और ककड़ी की अंतर्वर्ती फसल के बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो खरीफ के सीजन में बारिश के टाइम पे लगाई जाती है और एक बीघा में लगभग 60 से लेकर 90,000 तक का इसमें फायदा होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी की बगल में बेल आइकन है, आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल जाएगी नई वीडियो के बारे में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर करके आपका सहयोग बनाए रखें जिससे हम नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग 2 से 2.5 फीट चौड़ाई की मेड़ बनाई गई है और इसके बीच में जो नाली बनाई गई है वो लगभग 2.5 से 3 फीट की है। तो इस तरह की दूरी रखी जाती है और ये जो गराडू की फसल है वह मेड़ों के ऊपर लगाई जाती है और सभी नालियों के ऊपर 2 लाइन में ड्रिप सिस्टम बिछाया गया है, उसकी पूरी नलियां बिछाई गई हैं और इसमें लगभग 1 फुट की दूरी पर पेड़ से पेड़ भी और लाइन से लाइन भी, जो 2 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं 1-1 फिट की दूरी पे गराडू के। गराडू का जो एक कंद लगता है लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास, ये आप देख सकते हैं, आपको गराडू का पेड़ दिख रहा है। तो लगभग 1 से 1.25 फीट की दूरी रहती है और ये ककड़ी के पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह से इनकी प्लांटिंग की जाती है 2 लाइन में। ये आपको पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे गराडू के पेड़, कुछ तो निकल आए हैं और कुछ अभी निकलना बाकी है। ये लगभग 15 से 20 दिन पुरानी फसल है जो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। कुछ दिनों बाद ये और बड़ी दिखाई देने लगेगी, जब सारे गराडू निकल आएंगे तो पूरा खेत आपको भरा हुआ दिखाई देगा। तो ये किसान यहाँ पे इसको लगा के डबल फायदा उठा रहे हैं क्योंकि गराडू की जो फसल है वो 6 महीने की रहती है और ककड़ी की फसल लगभग 3-3.5-4 महीना में आ जाएगी। तो ये इनको अतिरिक्त फायदा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इंटरक्रॉपिंग करके ये अच्छा फायदा लेंगे खेती करके। और इसकी तैयारी के समय ही इसमें कुछ मात्रा खाद की मिला दी जाती है और कुछ उगने के बाद जो पेड़ हैं उनके पेड़ से पेड़ के पास रखी जाती है। खाद की जो मात्रा है कुछ मात्रा तो बुवाई के टाइम ही मिला दी जाती है और बाकी की मात्रा जब ये उगे आते हैं तो उसके बाद पेड़ों के पास रखी जाती है थोड़ा दूर। तो इस तरह से इसमें खाद दिए जाते हैं और ये पूरे गराडू की जो आपको दिखाई दे रही है पूरे पे लाइन बिछी हुई है ड्रिप सिस्टम की। और जैसे ही ये थोड़ा बड़ा और हो जाएगी तो इसके बाद इसमें बांस लगा के और तार लगा के जाला बनाया जाता है ताकि धागा लगाकर फिर उस पर उसकी बेलें चढ़ाई जाती हैं गराडू की। और इस तरह से इसकी जो मचान बनाकर खेती की जाती है, इसकी बेलें उसके ऊपर चढ़ती रहती हैं, वो ज़मीन पर नहीं चलती हैं, मचान के ऊपर उनको बढ़ने दिया जाता है। तो इस तरह से गराडू की खेती की जाती है। अगर हम इसकी उपज की बात करें तो 1 लाइन से कम 2.5 से 3 क्विंटल गराडू निकलता है। ये यहाँ पे ड्रिप अभी चली हुई है तो आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रिप से पानी टपकता हुआ। ये पूरे खेत में अगर आप 1 घंटे ड्रिप चलाएंगे 1.25 घंटे से लेके 1 घंटे तक, तो पूरे खेत में सिंचाई हो जाएगी और इसमें ड्रिप में पानी की मात्रा बहुत ही कम लगती है। और आजकल जो ड्रिप का सिस्टम है वो सब जगह अनुदान पर मिलता है,
बहुत सारी फसलें रहती हैं जो ड्रिप में लगाई जाती हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रिप अभी चालू है तो टपक टपक करके सिंचाई हो रही है। ये फसल लगभग नवंबर एंड में या दिसंबर तक आपका तैयार हो जाती है और ये बहुत लंबी आपको लाइन दिखाई दे रही है, मेड़ दिखाई दे रही है, तो इसमें लगभग 3-3.5 क्विंटल निकलता है एक में। और अगर हम इसके भाव की बात करें तो लगभग 20-25-30 रुपये किलो तक बिकता है और सर्दी के टाइम पर लोग इसको छील करके, तल करके और मसाले के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं। इंदौर के आसपास का जो एरिया है उसमें गराडू बहुत सारा लगाया जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ककड़ी की फसल, गराडू की फसल, दोनों अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगाई गई है। और जो ककड़ी का जो पौधा है वो गराडू के पौधे के बगल में ही लगाया गया है और इन दोनों की बेल रहती है जो लकड़ी का, बांसों का और तारों का जो मचान बनाया जाता है उसके ऊपर इसकी दोनों की बेलें चलती हैं। ये आपको पानी के निशान दिख रहे होंगे, थोड़ा खाद की भी दिख रहा है। तो गराडू की खेती करना बहुत ही फायदे का वो है सामान्य फसल की तुलना में। अगर 1-1.5 बीघा में 80-90 हज़ार रुपये का उत्पादन होता है तो ये बहुत ही अच्छी फसल है, किसान भाई इसको लगा सकते हैं। जिन एरिया में ये पहले से उत्पादन होता है उस एरिया से आपको सिर्फ बीज लेके आना है और इसको लगाना बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ लेंगे तो आप भी आसानी से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आलू की कंद लगाई जाती है या जो छोटा आलू लगाया जाता है आलू बोने के लिए, उसी की तरह लगाया जाता है। बस ये थोड़ा इसको मचान बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें बेल रहती है, पेड़ की जो हाइट है, बेल की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मचान बनाना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ये ड्रिप सिस्टम है पूरा, खेत का जो एक सिरा रहता है उस पर एक पाइप बिछाया जाता है, ट्यूबवेल से लेके नहीं खेत तक। और जो खेत के पास का जो एरिया रहता है उसमें पाइप बिछाते हैं और उस पाइप में ये ड्रिप को जोड़ दिया जाता है। इनको हल्के से तारों से भी बांधा गया है लोहे के कि ये निकल ना जाएं, टाइट कसी रहें। ये पूरे आप देख सकते हैं पूरे पाइप में हर जगह पर दो दो, एक मेड़ के ऊपर दो दो लाइनें लगी हुई हैं ड्रिप की। वैसे तो अभी तो ये लगाया गया है लेकिन बाद में बारिश होने लगेगी तो आप पानी की कम जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में जब बारिश चली जाएगी ये सामने उसका वो लगाया हुआ है पानी को छान के जो आता है वहाँ से पंप, उसका सिस्टम लगा हुआ है पानी छनके आने के लिए। और ये पूरे खेत में आपको दिख रहा होगा ड्रिप बनी हुई है और कितना बढ़िया आपको खेत दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा। अभी थोड़े दिन बाद जब सारे पेड़ निकल आएंगे तो पूरे खेत में आपको सिर्फ गराडू और ककड़ी की बेल ही दिखाई देगी। तो इस तरह से इसकी ड्रिप लगा कर खेती की जाती है। सामान्य फसल से आप कंपैरिजन करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसको लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। जो लोग आलू लगाते हैं या जिन्होंने टमाटर मिर्च भी उगाया है ड्रिप में वो आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन फसल है, लगभग 6 महीने में आती है। ये आपको ड्रिप में से टपकते हुए दिखाई दे रहा होगा, पूरा ड्रिप सिस्टम चालू है और सिंचाई हो रही है, टपक टपक करके पानी गिर रहा है। ड्रिप में पानी का वेस्टेज बहुत ही कम होता है क्योंकि बिल्कुल जो आपका पेड़ है उसी के पास पानी गिरता है,
बाकी और जो ज़मीन रहती है उसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता है, जैसे अपन नाली बना कर देते हैं पानी, तो उसमें वेस्टेज बहुत होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर सामने लगा हुआ है, इधर की साइड से पानी आ रहा है। अभी थोड़े दिनों बाद जब ये फसल थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो ये मचान बनाना शुरू कर देंगे, बांस लगा के नहीं, और उसके ऊपर ये बेलों को पूरा चढ़ाएंगे। ये थोड़ी सी हाईटेक खेती है, लेकिन अगर किसान करते हैं तो उनको लाभ बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ किसान भाई जिस एरिया में नए लगा रहे हैं वो अपने आसपास के किसानों को बीज भी बेच सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके ऊपर मैंने और वीडियो बनाई है, दो बीज की अलग वीडियो और गराडू फसल की अलग वीडियो, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगी ऊपर, यहाँ आई का निशान आ रहा है यहाँ पे, या फिर लास्ट में वीडियो के अंत में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी गराडू की खेती के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया गराडू की खेती की जा सक कैसे की जाती है। तो ये यहाँ पे गराडू के आप देख रहे हैं, और ये लगभग 15 से 20 दिन की अभी फसल है। अगर आप गराडू के खेत को देखेंगे जब फसल बड़ी हो जाएगी तो आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, पूरा हरा हरा खेत दिखाई देता है। ये यहाँ पे ये बांस के डंडे पड़े हुए हैं, जैसे ये थोड़ी बड़ी होगी तो यहाँ पे ये मचान बनाएंगे और उसमें धागे लगाकर इन बेलों को इस मचान के ऊपर चढ़ाया जाता है। और ये पूरी जो नालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं ये पूरी ऐसी ही दिखाई देती हैं, आप कभी भी खेत में घूम सकते हैं। ये ड्रिप की जो नली रहती है उनका एंड है, उनको मोड़ के और बांध दिया जाता है लास्ट में जहाँ पे एंड हो रहा हो, यानी कि एक सिरे को तो पाइप से जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को इस तरह से बांध दिया जाता है, मोड़ के नहीं, ताकि पानी बहे नहीं, और पूरे खेत में ये ड्रिप चलती रहती है जब इसको चालू किया जाता है, और लगभग 1.5 घंटे से लेकर 1 घंटे में पूरे खेत में सिंचाई हो जाती है, चाहे खेत कितना भी बड़ा हो। ये आप देख सकते हैं सारे नलियों को मोड़ मोड़ के बांध दिया गया है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये एंड है इनका, जहाँ पे इन नलियों को बांधा गया है। तो दोस्तों ये पूरी गराडू के बारे में जानकारी है, और आपको लास्ट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप इसकी खेती के बारे में देख सकते हैं। वहाँ पे फसल थोड़ी बड़ी थी तब मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि कुछ पूछना बाकी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको उत्तर दे दूँगा, आप जो भी जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों देखते रहिए डिजिटल खेती, धन्यवाद।